और उनका नाम रखा गया हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। पति पत्नी अगर उचित संयम का पालन करेंगे तो उनकी संतान उचित ही होगी, और अगर पाप का पालन करेंगे तो पापी ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि फैक्ट्री में जैसा मटेरियल होगा वैसे ही तो उसके उत्पाद होंगे। और पवित्र दिन जैसे दोनों पक्षों में दूज, पंचमी, अष्टमी, ग्यारस, पूर्णिमा, ऐसे समय में या शुभ तीर्थों के समय में हमें कभी समागम नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर सुख के लिए, संतान सुख के लिए है, हमारे कुल को बढ़ाने के लिए है, केवल काम सुख के लिए नहीं। और लोग कहते हैं कि आज मेरा समय बड़ा बुरा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं होता और बड़े पापी लोग उत्पन्न हो रहे हैं, घोर कलयुग आ रहा है, ऐसा हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। तो काल तो कुछ बिगड़ा है तो, परंतु हम लोग इतने कामांध हो गए हैं कि पवित्र दिनों का भी ध्यान नहीं करते, इसलिए पापी संतान उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए, और जब सूर्य चंद्रमा सायंकाल में सुक्षीण हो जाते हैं, देवता घबराने लगे। जैसे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे दैत्यों का जन्म हुआ, सूर्य का तेज कम हो गया, चंद्रमा क्षीण होने लगा, समुद्र में उबाल आने लगा, सभी देवता आज घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम प्रणाम करता है, भाग कर सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि पितामह, या द्विती के गर्भ में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है जिसके कारण से हम सभी को भय महसूस हो रहा है और जिसके प्रताप से आज हमारा बल कमजोर हो रहा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, एक बार मेरे मानस पुत्र जो है सनकादिक ऋषि बस श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम को गए। ब्रह्मा जी अब कथा सुनाते हैं इन राक्षसों के जन्म की। तो छोटे बालक है, दीनहीन है, तो वैकुंठ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। वैकुंठ में जो वहां काम करने वाली दासियां भी हैं, और स्वयं लक्ष्मी में कोई यह पहचान नहीं कर सकता कि लक्ष्मी कौन है और दासी कौन, सभी का एक स्वरूप, और लक्ष्मी स्वयं वहां झाड़ू बघेरती है, अर्थात भेद नहीं है। तो जो वैकुंठ जाता है वहां भेद नहीं होता, तो भगवान के धाम में भी भेदभाव नहीं था, कोई भी वहां प्राणी पहुंच सकता है। तो सनत कुमार महाज्ञानी थे, घूमते घूमते जब वैकुंठ लोक को गए, और वैकुंठ में द्वारपाल जो थे जय और विजय भगवान के स्वरूप ही वह चतुर्भुजधारी थे, और उन्होंने जाते ही उन्हें रोक लिया। मेरा गोविंद कहता है कि किसी भी प्राणी से भेदभाव मत करो। गोविंद कहता है कि सभी को एक समान जानो। तुम अगर अच्छा खाते हो तो अपने यहाँ काम करने वाले को भी वही खिलाओ, कभी भेद मत करो, या भेद ही हमारे विनाश का कारण है। कभी कभी देखा जाता है कि लोग जब घर में काम करने वाले आते हैं तो अपने लिए दूध वाली चाय बनाते हैं, और अपने नौकरों के लिए गुड़ की बना दो या ऐसी बना दो, नहीं, जैसा हम स्वयं खाते हैं वैसे, क्योंकि अतिथि के रूप में ही नारायण खाने आते हैं। और इस प्रकार कुछ लोगों के यहाँ तीन प्रकार का चावल रखा होता है कि चलो वीआईपी आएंगे, मानदान आएंगे, तो जे श्री राम का चावल, और घर के रोज के लिए लोचई का चावल, और मोटे का खंडा सोसाइटी से लाकर अगर कहीं दान देना हो तो महाराज को बरखासन देना है तो मोटे का खंडा लाके रख लो, महाराज खाएगा। तो इस प्रकार भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो हम खाते हैं वह हमें परमात्मा का प्रसाद है, और शास्त्र कहता है कि प्रसाद को हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार कई जगह निमंत्रण में देखा जाता है कि माताएं बड़ी चतुर होती हैं कि जब पंगत बैठी होती है तो अरे वो अपने घर के बैठे हैं तो चलो अंदर से अच्छी घी लगा लगा के उन्हें दे देती हैं कि वो चाचा को दांत में नहीं चपती और दूसरे को सूखी दे देती हैं। तो यही भेद ही हमारे कष्ट का कारण, और हम कहते हैं कि हमें कष्ट क्या होता है, दामाद आए हैं तो अच्छी घी वाली रोटी और दूसरों को सूखी वाली। तो और अगर लगा कि पहचान न ले तो डाल दे चपड़ दे थोड़ी सी और ऊपर। तो इस प्रकार का भेद हमें नहीं करना चाहिए। सनत कुमार ने वैकुंठ के 6 द्वार पार कर लिए, वैकुंठ के 7 द्वार हैं, 7 दरवाजे जो पार करता है। ऐसे ही भागवत में बांस की 7 गांठ है, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष और मत्सर, यह 7 गांठ जो पार करता है वही वैकुंठ को जाता है। पहले दिन धुंधकारी ने अपने काम को त्यागा, फिर क्रोध को त्यागा, फिर लोभ को त्यागा, मद मोह मत्सर को त्यागा, और 7वें दिन स्वयं भगवान लेने आए। ऐसे ही वैकुंठ के 7 द्वार है, यह 7 ही प्रकार के काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष मत्सर, जो इन 7 को पार कर लेता है वही वैकुंठ में प्रवेश पाता है अंतिम द्वार में। तो सनत कुमारों ने
छह द्वार तो पार कर लिए परंतु सातवां क्रोध का द्वार पार नहीं कर पाए। रास्ते में ही उन्होंने उन्हें द्वारपालों ने रोका कि रुक जाओ, कहां जाते हो। आज देखिए भगवान की माया, जिन्हें कभी नहीं रोका जाता था आज उन्हें रोका जाता है, क्योंकि दोनों द्वारपालों में भी अहंकार था और वही अहंकार कांड से आज उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने भी रोका। और कनक कुमारों में यह अहंकार था कि हमें तो भगवान के दरबार जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार द्वारपालों ने कहा कि आप अंदर नहीं जाते, हम पूछ कर आते हैं, यही रुको। तो इतने में सनत कुमारों को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और इस प्रकार बैकुंठ में बही जा सकता है जो सनत कुमारों के जैसा स्वभाव रखे। परंतु आज सनत कुमारों ने भी अपने स्वभाव का त्याग किया और सनत कुमारों की से यही चूक हो गई कि आज उनसे क्रोध हो रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है। तो जय विजय कौन है भला, या जय विजय की हम कहानी जो सुनते हैं, या जय विजय कौन है? तो जय का अर्थ होता है कीर्ति, कि मेरा इतना सम्मान है, मेरे पास इतनी दौलत है, और विजय कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। तो लोग अपनी कीर्ति के कारण से कि मैं इतना बलवान हूँ, धनवान हूँ, तो वह लोगों का अपमान करते हैं। और विजय की अर्थात मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है या कोई मुझसे टक्कर नहीं। तो यही अहंकार हमें रोकते हैं हमारे। आज आप कथा में बहुत से लोग नहीं आते, इसलिए नहीं आते क्योंकि उनमें जय और विजय बैठी है कि मैं जय अर्थात इतना बड़ा आदमी हूँ, वहाँ छोटों के बीच में कथा सुनूंगा। अरे तो ये जय और विजय नाम के हमारे जो अहंकार है, भाई हमें कथा में जाने से रोकते हैं। तो आज सनत कुमारों को भी जय विजय ने रोका कि आप वहां नहीं जा सकते। और इस प्रकार सातवें द्वार पर उन्हें क्रोध उत्पन्न हो गया। तो जिन पर मान प्रतिष्ठा का अहंकार होता है उसे भगवान के द्वार से वापस आना पड़ता है, और सनत कुमारों को अहंकार हो गया और उसी अहंकार के कारण से क्रोध उत्पन्न हुआ। गीता में कहा गया है क्रोध से बुद्धि, काम से क्रोध बढ़ता है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से ही पाप होते हैं। तो एक क्रोध करने के कारण से, जीवन में एक बार क्रोध करने के कारण से उन्हें बैकुंठ के द्वार से वापस लौटना पड़ा। तो हम तो सारे जीवन ही क्रोध करने में निकाल देते हैं। भगवान आज सोचे कि यद्यपि इन्होंने क्रोध किया था, बैकुंठ में आने के अधिकारी नहीं, परंतु है तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण तो मुझे सदैव से ही पूज्य है। तो स्वयं भगवान आज कहते हैं कि वह यहाँ नहीं आ सकते तो मैं ही वहीं जाता हूँ। तो आज ब्राह्मणों के मान को रखने के लिए भगवान स्वयं दौड़ते दौड़ते आते हैं। और काम क्रोध और लोभ जो होते हैं या भक्ति में बाधक होते हैं, काम क्रोध मत लोभ दंभ नाथ नरक के पंत, जिनमें काम क्रोध लोभ है बैकुंठ में तो क्या नरक में भी जगह नहीं मिलती। इन तीनों के कारण से हमारे पुण्य का नाश हो जाता है, कर्म के मार्ग में विघ्न पड़ता है। रावण का विनाश काम ने किया, काम के कारण से, एक स्त्री पर अभिशक्ति के कारण से रावण का विनाश हुआ। ज्ञान मार्ग में हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्रोध विघ्न उत्पन्न करता है, क्योंकि क्रोध आने से हमारी बुद्धि शून्य हो जाती है। तो समत कुमार तो बुद्धिमान थे परंतु क्रोध से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह वैकुंठ के भी महत्व को नहीं समझ पाए। और भक्ति करते हुए जो क्रोध करता है तो लोभ विघ्न उत्पन्न होता है। तो भक्ति के मार्ग में लोभ उत्पन्न होता है, जैसे मैं यहाँ भक्ति कर रहा हूँ व्यास में, और मुझमें अगर लोभ आ जाए कि अरे आज मैं वह कथा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आज अच्छे मालदार लोग नहीं आए, तो लोभ भक्ति में विघ्न उत्पन्न करता है। और इसके बाद फिर जो लोभ भक्ति का नाश कर देता है, भगवान से दूर कर देता है, लोग भगवान के नाम पर लोगों को लूटने लगते हैं कि आज धन के बारे में ही बताएं, कि दान के बारे में बताएं, तो लोभ उत्पन्न होने से भक्ति चले जाती है। और कामेन कर्म नाश शाता क्रोधेन ज्ञान नाशनम लोभेन भक्ति नाशस्यात् अस्मात् एतत्त्रयम् त्यजे। तो आज भगवान ने गीता में कहा कि काम क्रोध व लोभ को नरक का द्वार कहा गया, इसी के कारण से ही व्यक्ति नरक में जाता है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। क्रोध के कारण से हमसे बड़ी बड़ी हिंसा हो जाती है, मद के कारण से, शराब के कारण से हमसे बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। शराब पीना पाप नहीं है, परंतु शराब पीने के बाद जो घटनाएं होती हैं, जुआ में अगर हर कोई व्यक्ति जीते धन कमा कर लाए तो जुआ खेलना अपराध नहीं है, परंतु जुआ से युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को हार गए, जुआ से ही व्यक्ति अपने घर परिवार को नाश कर लेता है, पूर्वजों की मेहनत की कमाई को, यह धन जो है या तुम्हारे पुण्य का प्रताप है, इसे कोई तुम्हें लेने से नहीं रोक सकता, चाहे आप तपस्या करो चाहे ना करो, परंतु यह धन जो है वह लक्ष्मी है, लक्ष्मी यानी हमारी कन्या, और लक्ष्मी को अगर तुम जुए में दाव लगाओगे तो वह दरिद्रता बनेगी, तो कभी भी जुए को, और ये हाथ जो है जगन्नाथ, इन हाथ से लक्ष्मी को दान करो, परंतु इस लक्ष्मी को हम दाव में लगाते हैं तो दरिद्रता भला नहीं आएगी। तो
आज तक कोई जुआ खेलने वाला करोड़पति बना है क्या? उसका लोभ कभी नहीं जाता। तो इस प्रकार भक्ति के मार्ग में लोभ ना करें। मनुष्य खुद के लिए कपड़े अच्छे सिलवाता है, परंतु कथा हो रही है तो पंडित जी के लिए, अरे दुकानदार वहां से पूछता है कि पूजा में देने है का महाराज के, वो बेचारा अच्छी धोती लेने जाता है और बोलता पूजा में देना है तो फिर वो सस्ती सी, तो जैसे लंगोट के बिना बना सके। तो दीजिए अच्छा, भले छोटे सी रुमाल दीजिए, पर उपयोग आए, क्योंकि आपके द्वारा खर्च किया हुआ एक रुपया भी बड़ा आपकी मेहनत का है, और अगर आपने बस 100 रुपये भी व्यर्थ में चला गया तो किस काम का। पूजा की सुपारी के नाम से वो छोटी छोटी लेडी जैसी जो आती है उसे पूजा की सुपारी, नाम ही हो गया है कि छोटी पूजा की सुपारी। जो पान बाजार में नहीं बिकते छोटे छोटे, उन्हें पूजा का पान बता देगा। सुपारी का मतलब यह होता है पूर्ण फल, जो भले बड़ी हो उसे श्री फल कहा गया, और लक्ष्मी ही अगर तुम्हारी घुनी होगी, क्योंकि बस छोटी सुपारी आप मुंह में डालोगे तो थूक दोगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि ब्राह्मण को जो अर्पण होता है वही मैं प्राप्त करता हूँ। तो ब्राह्मण जब उस सुपारी का उपयोग करता है तो उसके पेट में जाती है और वह नारायण में जाती है। परंतु जो लेड़ी वाली सुपारी है, हम कभी किसी के यहाँ तेर भी करा के आए और उसे हम घर ले आए, अब मुंह में डाले तो थूक दिए, तो अब क्या करें, तो इकट्ठी हो गई, चलो दुकान में बेच आए। अब वो तेरवी की या मरे गड़े की सुपारी पुनः कोई भागवत वाला खरीद के ले आए और यहाँ पर आकर, तो ऐसा नहीं। अगर वह आप शुद्ध सुपारी देंगे तो उसमें जब देवता ही स्वस्थ रहेंगे तभी तो वह स्वस्थ फल देंगे। घर का मालिक ही अगर स्वस्थ नहीं है तो वह भला आपकी क्या रक्षा करेगा। तो सुपारियों में देवताओं का वास माना गया, उसे पूर्ण मिदम पूर्ण मदा पूर्णात्म पूर्ण उच्चते, तो उसे पूर्ण ही फल बस श्री है अर्थात लक्ष्मी। तो इस प्रकार आपका जब भगवान के लिए फूल लेने जाता है तो माली से कहता है कि फूल क्या भाव है, तो वह कहता है 100 रुपए की माला है, तो कहे और सस्ता, तो कहता है कि हाँ 20 रुपए वाली है, और सस्ता, तो कहे अरे कहे भगवान को तो चढ़ाना है, वो सबसे सस्ता क्या है, तो कहे कुछ नहीं फूल है, तो कहला 1 रुपए वाला फूल ही देते। तो जब माला की भगवान के लिए फूल लेने जाता है तो वह 1 रुपए का फूल लेके जाता है, एक चलो माला नहीं आई, भगवान तो भाव के भूखे हैं। और जब अपनी प्रेमिका के लिए फूल लेने जाता है तो महंगे से महंगा गुलाब दिखाओ कहता है, भले वैलेंटाइन डे आने वाला है तो वैलेंटाइन डे में वो पहले से, तो लोग वैलेंटाइन डे तो साल भर से याद करते हैं कि फलानी तारीख को वैलेंटाइन, वैलेंटाइन का मतलब होता है बैलों का टाइम, जो अवारा बैला होते हैं ना उनका बाद टाइम आता है कि 14 जनवरी को, तो उस दिन वो बैला लोग अपने टाइम के लिए साल भर से रास्ता देखते हैं। परंतु माता पिता का जन्मदिन कब है उन्हें कभी याद नहीं होता, माता पिता की पुण्यतिथि कब है या माता पिता के हमारे पूर्वजों का वह याद नहीं, पर वैलेंटाइन डे के लिए साल भर से कहते हैं। तो हमारे संस्कार ही हमें साकार नहीं बना पा रहे। तो जब पत्नी के लिए वह फूल लेने जाता है तो ऊंचे से ऊंचा दिखाओ, या प्रेमिका के लिए लेने जाता है और महंगे से महंगा फूल उसकी बेणी में लगाने के लिए ले आता है, परंतु वेणुगोपाल के लिए जब वह लाता है तो साधारण सस्ता सा फूल वह बाजार में देखता है। सत्यनारायण की कथा करनी होती है तो दान पूजन में घटिया से घटिया सामग्री चीजों का उपयोग करता है, और पूजा में ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण को वस्त्र पहनाओ, तो कहता है महाराज वस्त्र तो लाने भूल गए, तो अब क्या करें। तो भगवान ब्राह्मण भी क्या करेगा, तो बोलता है कि महाराज कई जगह धागा चढ़ा देते हैं तो तुम धागा ही चढ़ा दो, तो धागा तोड़ के चढ़ा दिए। तो यह मत सोचो कि भगवान नहीं देख रहे हैं, वह निर्गुण होकर भी साकार है, वह सब देख रहा है, भगवान भाव को जानते हैं, तेरा भाव क्या है। तो भगवान से को वह कहता है कि चलो भगवान तो भाव के भूखे हैं, कपड़ा नहीं लाए तो क्या करें, अपन एक धागे तोड़ के चढ़ा दो। तो भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, एक दिन तुझे भी लंगोट में ना घुमा दिया तो मुझे मत कहना। तो इस प्रकार ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तम से उत्तम चीज अपनी परिस्थिति के अनुसार, भगवान यह नहीं कहते कि तुम अपना कर्ज लेकर मेरा पूजन करो या कर्ज लेकर पुराण करो, परंतु जिस परिस्थिति में तुम हो, अगर तुम गरीब होकर भी मोटा खाते हो तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा कि अंतिम समय में मेरे 24 अवतारों में मुझे सुदामा के चावल और सबरी के बेर और विदुरानी के केले के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो भगवान भाव के भूखे हैं। मंदिर या तीर्थों में हम जाते हैं, तीर्थ यात्रा में तो नाना प्रकार के पाप करते हैं, लाइन से हम लगते हुए 20 से घुस जाते हैं, या वहां पर हम कहीं चोरी करते हैं लोग, या किसी की चप्पल चुरा लेते हैं, या तो ध्यान दीजिएगा कि तीर्थ में किया हुआ एक एक पुण्य आपको करोड़ गुना फल देता है और तीर्थों में किया हुआ एक एक पाप आपको करोड़ों नर्क में धकेल देता है। तो तीर्थों में कभी भी आप पाप मत करिए, प्रेम का भाव रखिए,
क्योंकि उस तीर्थ में मेरे कन्हैया ने जन्म लिया है। सनकादिकों को आज अंदर जाने को नहीं मिल रहा है, और अंदर पहुंच जाए तो बाहर आने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आज सनकादिक अंदर पहुंच जाते तो वैकुंठ से कोई बाहर नहीं आता, क्योंकि वहां तो व्यक्ति को मुक्ति ही मिलती है। परंतु आज 6 द्वार पार कर लिए, काम को जीत लिया, क्रोध को मरने जीत पाए, और आज बाहर से ही भगवान उन्हें दर्शन दे रहे हैं। यद गत्वान निर्वन्ते, भगवान अंतर्यामी है, फिर भी लक्ष्मी जी से पूछते हैं कि लगता है द्वार में कोई आवाज ही आ रही, देखो तो कौन लड़ रहा है। तो लक्ष्मी जी ठाकुर जी ने देखने के लिए आज बाहर आए हैं और देख रहे हैं कि द्वार में क्या हो रहा है, किस बात की बहस हो रही है। तो आज मेरे गोविंद की नजर नीचे झुकाए हुए खड़े हैं आज संकादिकों को, जिस ब्राह्मण के मुख देखने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, आज हमारे गोविंद का की नजर नीचे है, ऊपर की वो देख ही नहीं रहे। सनत कुमार वंदना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप आज हमें देख क्यों नहीं रहे, हमारी ओर दर्शन क्यों नहीं कर रहे, हे प्रभु अपनी दृष्टि हम पर रखी है। शन मुखे हो ही जीवे मोहि जग ही, शन मुख हो ही जीवे मोहि जग ही, शन मुखे हो ही जीवे मोहि जग ही, जन्म कोटि अघना सही तबही, जन्म कोटि अघना सही तबही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय झुकाकर संकादिक ऋषियों को, जिनके देखने से ही भगवान प्रसन्न होते थे, पर आज क्या बात हो गई जो भगवान उनको नजर झुकाए हैं, कि आज ऋषियों को लग रहा है कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई, और हमने इनके प्रति इतनी भक्ति की, परंतु आज भगवान मुझे देख क्यों नहीं रहे। वहां पर जब भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लगता है द्वार पर कोई विवाद हो रहा है, तो भगवान आज कह रहे हैं कि लगता है द्वार पर कोई विवाद है, तो जाओ जाकर देखता हूँ, परंतु भगवान नजर झुकाए हैं, और भगवान कहते हैं कि भूल तुमसे नहीं हुई। शरद कुमारों ने कहा कि प्रभु हमसे क्या भूल हुई है, तो आज भगवान कह रहे हैं कि मेरे पुत्रों भूल तुमसे नहीं हुई है, अरे तुम्हारा अपमान हुआ है पर मेरा अपमान है। देखिए क्रोध को जिसने नहीं जीता, परंतु गोविंद कितने दयालु हैं, जो सनत कुमारों से कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान तुम्हारा अपमान नहीं है या मेरा अपमान है, आज मेरे द्वारपालों ने कुछ गलती की है तो उसकी सजा मुझे मिलना चाहिए, इसलिए मैं आज आपके मुखमंडल को नहीं देख रहा हूँ। और भगवान आज कह रहे हैं सनत कुमारों से कि ब्राह्मण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है, अर्थात ब्राह्मणों के लिए तो मैं प्रेम दे सकता हूँ, लक्ष्मी भी मेरे आगे कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं लगती। और जैसे ही भगवान ने लक्ष्मी जी की ओर देखा कि अब यहाँ की विवाद सुलझाते घर का विवाद सुलझना हो जाए, लक्ष्मी जी का मुंह बन गया है, तो भगवान तो वाणी चतुर है, तो उन्हें लगा कि कहीं लक्ष्मी जी बुरा ना मान जाए, इसलिए सोच कर कहते हैं कि अगर भक्त को लक्ष्मी जैसी मेरे प्रति भक्ति ना हो, जैसी भक्ति लक्ष्मी जी मेरे प्रति करती है, अगर मेरा भक्त वैसी भक्ति नहीं करता तो मैं उसे पसंद नहीं करता, तो अब लक्ष्मी जी प्रसन्न। तो भगवान ने कहा कि चलो गृहस्थी बची नहीं तो अभी जो मायके भर जाती, तो आज सनकादिक, अब लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो गई, और सनकादिक ऋषि सोच रहे हैं कि भगवान हमारी प्रशंसा तो बहुत कर रहे हैं, परंतु हमें अपने घर के अंदर आने को क्यों नहीं कह रहे हैं कि अंदर आइए, हमेशा तो बुलाते थे, लगता है हमें अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है। इतना कहकर वह ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, और कुछ समय बाद फिर दिति के गर्भ से जय और विजय नाम के दो बालक उत्पन्न हुए, जो सनत कुमारों ने श्राप दिया कि आपने हमें रोका तो आप 3 बार पृथ्वी लोक में जाइए। पहले तो उन्होंने श्राप दिया कि आपका धरती लोक में राक्षस योनि में जन्म होगा, क्योंकि जो श्रीहरि के द्वारपाल होकर भी जिनकी बुद्धि में तामसी गुण है, अतः वह राक्षस है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। जब उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने क्षमा याचना करी, तो भगवान संत हृदय नवनीत समाना, तो संत ने आशीर्वाद दिया कि यह शायद भगवान की ही इच्छा है, तो जाओ तुम 3 युग में 3 अवतार लेकर ही धरती पर जन्म लोगे, और भगवान श्री हरि तुम्हारा उद्धार करेंगे, और तुम पुनः वैकुंठ के द्वारपाल होगे।
अब गलत समय में किए हुए कार्य के कारण से संतों के यहाँ भी राक्षस जन्म ले लेते हैं। इसलिए माता पिता को पहले संत जैसा आचरण करना चाहिए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है, या हिरण्याक्ष कौन है और या हिरण्यकश्यप कौन है भला आप जानते हैं? हिरण्याक्ष यानी लोभ का अवतार, जो यह सोचता है कि पूरी पृथ्वी मेरी है, पूरी पृथ्वी को जीतने जो चला है। हिरण्याक्ष, हिरण्य का अर्थ होता है सोना, और जिसकी आंखें सोने को ही, मतलब जिसकी आंख में हर तरफ सोना दिखता है, धन दिखता है, दौलत दिखता है, जो पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, वही है हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यप, उन्हें मारने के लिए भगवान ने क्रमशः वराह और नरसिंह के अवतार लिए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, और भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया। देखिए काम को मारना सरल है, काम को मारने के लिए रावण और कुंभकर्ण काम के प्रतीक थे, और काम को मारने के लिए भगवान ने एक ही अवतार लिया, राम अवतार। परंतु लोभ को मारना बड़ा कठिन है, इसलिए लोभ को मारने के लिए भगवान को आज दो अवतार लेना पड़ रहा है, एक हिरण्य भगवान को वराह अवतार और दूसरा भगवान को नरसिंह अवतार। और यह पता चलता है कि लोभ को मारना कितना कठिन है। और इस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर वराह अवतार से पृथ्वी को रसातल से, पाताल से निकालते हुए जल में आधार में लाया, और स्वयं भगवान आधार बनकर बैठ गए, और शेषनाग भगवान का रूप धारण करके ओम नमो स्तवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुभावे सहस्त्रनामने पुरखाय सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। अर्थात सहस्त्रों फन वाले होकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को धारण कर लिया। तो भगवान का भार धारण करने के लिए भी भगवान बनना पड़ता है। तो इस प्रकार यह कथा के बाद हम अनुसुईया जी के चरित्र की ओर चलते हैं कि पिछले स्कंद में हमने पढ़ा कि स्वयंभू मनु से देवहूति नाम की कन्या हुई। तो मनु महाराज और सतरूपा जो है रानी, इनके दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद, जिनके यहाँ ध्रुव का जन्म हुआ। दूसरा प्रियव्रत, जिनके यहाँ जड़ भरत के रूप में उनका वंश आगे बढ़ा। और इसके बाद प्रियव्रत राजा ने पूरे सातों पृथ्वी को, जब प्रियव्रत राजा की कथा देवी भागवत में आती है, भागवत है इसलिए इसमें समय कम है, परंतु सूक्ष्म रूप से बता दूं कि प्रियव्रत पूरे भारतवर्ष के राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। तो उन्होंने एक बार देखा कि मेरे राज्य में कभी भी सूर्य अस्त ना हो, तो उन्होंने देखा कि सूर्य नारायण अपने घोड़े में जब इस दिशा में आते हैं तो यहाँ अंधकार हो जाता है, और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ अंधकार। तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना करके ऐसा रथ बनाया कि उस रथ की खासियत यह थी कि वह रथ जहां भी जाता तो वहां अंधकार नहीं रहता, तो वह पूरी पृथ्वी में घूमता रहता। तो उस रथ के घूमने से पृथ्वी सात भागों में बट गई, और इस प्रकार सात दीपों की रचना हो गई, और जो गड्ढे बने और उसे ही सात समुद्र, जिसे बाद में राजा सगर के पुत्रों ने खोद खोद कर पृथ्वी को, अश्वमेध के घोड़े को ढूंढ कर उस गड्ढे को ही पहाड़, और जहां पर वह मिट्टी गिरी वह पहाड़ बने, और जो गड्ढे है वह सगर राजा के नाम से ही सागर बने। और इस प्रकार मनु सतरूपा की जो कन्या हुई देवहूति, प्रसूति और आकूति, तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और उनके एक पुत्र हुए कपिल मुनि महाराज, और बहन हुई अनसुईया, और प्रसूति दक्ष प्रजापति की पुत्र जो हुए, दक्ष प्रजापति के बारे में सभी जानते हैं, तो दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई माता सती, जिनका विवाह शिव शंकर से हुआ। आकुति और रुचि प्रजापति के जो पुत्र हुए भगवान यज्ञ नारायण, और अत्रि नाम के अनसुईया से उनका विवाह हुआ। तो अत्रि और अनसुईया की कहानी कहते हुए हैं कि आप हमें प्रसूति की कन्या के बारे में बतलाइए। तो देखिए भगवान में अगर भक्ति है तो हम पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर सकते हैं। तो आज भी भगवान जन्म लेने को कब को आने को तैयार है। मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि भगवान जन्म क्यों नहीं लेते, कलयुग आ गया, पर भगवान कहते हैं मैं तो कब का दौड़ चुका हूं, परंतु मुझे भाई माता पिता नहीं मिल रहा है, जो अत्रि अनसुईया है, जो यशोदा और जो देवकी और जो रोहिणी, या जो कौशल्या और राजा दशरथ जैसे पिता, या वसुदेव जैसे पिता मुझे आज प्राप्त नहीं हो रहे। इस प्रकार भगवान जन्म लेने को तो कब से तैयार है, परंतु हमें तभी वह भगवान की कृपा होगी जब हम अपने आप को दशरथ और कौशल्या जैसा बनाएं। ऐसा आचरण करो तो मैं निश्चय तौर पर कहता हूं कि तुम्हारे यहां भी भगवान का जन्म होगा। तो आइए भजन के साथ हम कथा में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज घर घर में देखा जा रहा है कि पिता पुत्र को नहीं समझता। ध्यान दीजिएगा, पिता के पुत्र के रूप में
पिता की आत्मा निवास करती है, परंतु पुत्र कौन है? पुम नाम ने नर के तार ये सब पुत्र है, जो पू नाम के नर्क से अपने पूर्वजों को बचाता है वही पुत्र है। हमारे पूर्वज इस भाव से हमें उत्पन्न नहीं करते कि तुम 100 एकड़ खेती बनाओ या माल गुजार बनो, इस भाव से हमें उत्पन्न करते हैं कि कल के दिन यह मेरा पुत्र हमारे लिए जब हम संसार में रहेंगे तो हमसे तीर्थ यात्रा करवाएगा, और जब संसार में नहीं रहेंगे तो हमारे लिए पुराण यज्ञ आदि का आयोजन करेगा और हमारे मोक्ष के लिए, इस भाव से वह पुत्र को। नहीं तो शास्त्र गरुण पुराण कहती है कि पुत्र और मूत्र दोनों एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं, जो पुत्र होकर भी पुत्र का धर्म नहीं निभाता तो वह मूत्र के समान है। तो आज के कलयुग में तो पिता और पुत्र बैरी है, क्योंकि यह कलयुग है। आज भगवान जन्म लेने के लिए तैयार है, परंतु घर घर में रावण बैठा है। उस समय तो एक रावण था, परंतु आज कलयुग में इतने रावण हैं, तो इतने राम हम कहां से लेकर आए। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। हे राम हे राम हे राम हे राम, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। लाख भूखा रहती परंतु अपने बच्चों का सेवन करती और
उसी के ही दर्शन का सेवन करती, और पिता को देखो जिसने अपने जीवन का पूरा कीमती क्षण उसकी सेवा में लगा दिया कि मेरा पुत्र कभी किसी भी प्रकार का दुख न हो। और आज वह धन के लालच में हमारा बैरी बना बैठा है, भाई भाई का बैरी बना बैठा है। आज भाई भाई को लड़ते हुए देखकर हमारे पूर्वज क्या समझते होंगे, क्या इसी दिन के लिए हमने संतानों को उत्पन्न किया? अरे यह पूरी संतान तो मेरा धन थी, आज मेरा धन बट रहा है, मेरे पुत्र सभी अलग हो रहे हैं, एक दूसरे के बैरी हो रहे हैं, वह पूर्वज क्या सोचते होंगे? जिसे समझते हो अपना चढ़े को देखा आज वही, जिसे समझते हो अपना चढ़े को देखा भाग वही। रामायण की बातें फिर लगती है सपना कोई, रामायण की बातें फिर लगती है बात वही। जिसे समझते हो स्वामी से घात करते हैं और अपने स्वामी के पीठ पीछे छुरा वह भौंकने की कोशिश करते हैं। जिसे समझ न दास बना है मालिक से तकरार करे, आज दास का भेद बना है मालिक से तकरार करे, आज दास का भेद बना है मालिक से तकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा पर भक्त पड़े तो भार पड़े, हनुमान सा दास आज मैं ढूंढ कहां से अब लाऊं, अब घर घर में रावण बैठा इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली रहे बस
की नींव बहुत से देखे मैंने घर वाले तब था घर का एक ही भेदी उस समय एक ही भेदी था विभीषण जिसके कारण से लंका का विनाश हुआ तब था घर का एक ही भेदी आज वही घर घर पालू घर 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 में रावण बैठा इतने राम कहां श्री तो आगे की कथा में अनुसुईया का चरित्र पूछ रहे हैं कि देवहूति की जो प्रसूति नाम की कन्या थी प्रसूति की कन्या अर्थात सारे संसार में जो षष्ठी की रचना हुई प्रसूति कहते हैं हम डिलीवरी को प्रसूति ग्रह तो इसी प्रसूति से ही सारे संसार की रचना हुई जो दक्ष प्रजापति की संतान के रूप में यह बढ़ते चली गई। तो आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और रुचि प्रजापति का विवाह हुआ कि जो पत्नी यज्ञ नारायण भगवान का उनके यहाँ अवतार हुआ और उन्होंने पूछा कि परमेश्वर मुझे जन्म तो दिया परंतु मेरा कार्य क्या है तो यज्ञ नारायण भगवान कहते हैं कि आप आज से जो हवन आदि करेगा तो सभी देवताओं को आप भोजन पहुंचाएंगे तो यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा देवी के साथ किया गया तो दक्षिणा देवी अर्थात यज्ञ में जब दक्षिणा देते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। दक्षिणा का मतलब धन नहीं गुरु दक्षिणा अर्थात यज्ञ में बैठने के पहले हवन पूजन बैठने के पहले धागा बंधवाइए व्रतबंध होइए। तो इस प्रकार जो यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ बोलो यज्ञ नारायण भगवान की और द्वितीय पुत्र के रूप में अत्रि मुनि ने जन्म लिया। इनकी अत्रि मुनि का जो विवाह हुआ वह कर्दम ऋषि की अनुसुईया नाम की कन्या के साथ हुआ। अनुसुईया महान पतिव्रता स्त्री थी उसके बराबर पतिव्रता तो आज तक संसार में कोई नहीं हुआ। तो एक बार की बात है कि नारद जी कैलाश पर्वत पर आए श्रीमन नारायण 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 कहते हुए नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उस समय भोलेनाथ समाधि में लीन थे। समाधि में लीन जब नारद जी ने देखा तो सोचा कि अभी प्रभु को डिस्टर्ब करना बड़ा कठिन काम है तो माँ पार्वती माता के पास जाते हैं। तो उस समय पार्वती जी भी पूजन में लीन थी तो पूजन के बाद पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद दिया तो पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद दिया कि लीजिए नारद जी लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं खाकर देखिए। नारद जी ने खाया अब माता पार्वती पूछती हैं कि ये लड्डू कैसे लगे भला मेरे हाथ के बने तो नारद जी कहते हैं कि नारायण नारायण अति स्वादिष्ट देवी अति स्वादिष्ट परंतु माता आश्चर्य से बोली परंतु क्या नारद जी परंतु यही कि आप नाराज तो नहीं होंगी देवी। तो माता ने बोला कि आप निश्चित होकर कहिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं परंतु अनुसुईया के हाथ के जो लड्डू हैं उसके बराबर इसमें बात नहीं है उसमें तो महान ही प्रेम है बड़ा ही अच्छा स्वाद है। पार्वती जी पूछती हैं कि यह अनुसुईया भला कहां से आ गई इस नाम का तो हमने कभी अपने लोकों में नहीं सुना। तो नारद जी कहते हैं कि देवी आप पतिव्रता हैं। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई नारद जी ने जब कहा कि आप पतिव्रता हैं परंतु देवी ने कहा कि फिर परंतु तो नारद जी ने कहा कि आप नाराज तो नहीं होंगे तो माता ने कहा कि बोलिए तो नारद जी ने कहा कि आप पतिव्रता हैं परंतु अनुसुईया महान पतिव्रता है उसके समान पतिव्रता तीनों लोक में कोई नहीं। तो माता पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी कि मुझसे बढ़कर सती और दुनिया में कौन हो सकता है तो क्या यह अनुसुईया मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है। और श्री शंकर जब समाधि से जागे तो पार्वती जी ने अत्यधिक प्रेम से सेवा सत्कार की। तो भाइयों समझ लीजिए कि रोज जब आपको सुनने को मिला कि घर में आए और बोले कि खाना में क्या बनाया तो कह रात सुबह की सब्जी है खा लो जो बना है और जिस दिन अच्छी भजियां मिलना चालू हो जाए अच्छा तो समझ लीजिए कि अब आपके गड्ढे में उतरने की तैयारी है। तो आज माता ने भगवान से बड़ा अच्छा बोला और
जैसे बकरे को बलि में चढ़ाया जाता है तो उसको रोज पूजन करते हैं और उसको माला आला पहनाया जाता है, बकरा बड़ा प्रसन्न होता है, परंतु वह क्या जाना कि मुझे बलि में। तो आज भगवान शिव की भी स्थिति उसी प्रकार से है कि उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है। आज माता बिगर कहे इतना आहा लगता है कि मेरी तपस्या आज सिद्ध हो गई। तो शंकर ने पूछा कि देवी क्या बात है जो आप इतनी प्रसन्न है। तो पार्वती जी ने कहा कि आप किसी भी तरह से अनुसुईया का सतीत्व भंग करो। तब शंकर जी ने सोचा कि अब बात समझ में आई कि इतना सत्कार क्यों हो रहा था। तो शिव जी ने कहा कि देवी यह हमारा कर्तव्य नहीं है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वह स्वयं गड्ढे में गिरते हैं। अगर आप किसी को उंगली दिखाओगे तो तीन उंगली तुम्हारी ओर आएंगी, अतः हमें इस चीजों से दूर रहना चाहिए। परंतु माता ने नहीं माना तो बाल हट, स्त्री हट और राज हट या तीन हट में तो सभी को झुकना पड़ता है। तो भगवान भी आखिर विवश हो गए। सोचा इसी बहाने माता के दर्शन तो करूंगा। तो कैलाश में आग लगाकर नारद जी यहाँ पर आ गए हैं और बैकुंठ लोक में पहुंचे। उस समय भगवान योगी विद्या निगम्य, हम योगी के समान ध्यान में लीन थे। तो सोचे कि अच्छा मौका है, यहाँ भी आग लगा के चलूं। तो लक्ष्मी जी उस समय चरण दबा रही थी तो नारद जी का सत्कार किया। तो नारद जी जाते जाते बोले नारायण नारायण आहा हा। ऐसा लगता है कि हम नारायण ही छोड़ दूं। और अरे बड़ा आनंद आ गया, वहां गया फलाने के यहाँ। तो लक्ष्मी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यार नारद जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो किस बात का आनंद आ गया है नारद जी, क्या बात है, आप इतने आनंद में किस प्रकार हैं और क्यों आप भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। तो नारद जी कहते हैं कि देवी कुछ मत पूछो। तो माता ने पूछा कि इतने दिनों बाद आप बैकुंठ में आए हो और कहते हो कुछ मत पूछो। तो भगवान के नारद जी कहते हैं कि देवी अब बैकुंठ में इसलिए नहीं आता कि अब बैकुंठ का भी एक जमाना था जब बहुत रह लिए, अब इससे अच्छे भी आई